गाइस चाउमिन मेरा फेवरेट। किस किस का फेवरेट है चिकन चाउमिन बताएं। और ये मैं अल्लाह मालिक से लाई हूँ। अब बताएं अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट भी कौन कौन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बाहर आए हुए थे हम लोग, एक छोटी सी मीटिंग थी तो भूख लग गई। मैंने कहा चिकन चाउमिन अल्लाह मालिक का मुझे बहुत मेरा फेवरेट डिश है, तो मैंने कहा आप पार्सल करवा लें, क्योंकि अभी मैंने बिरयानी खा ली थी लेकिन फिर दोबारा आना पड़ता लेने, तो उन्होंने कहा कि आप जाके ले आए। तो मैं लेने गए हैं और मैं सामने खड़ी हूँ, सोच रही हूँ वहाँ जाऊँ थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। वो मैड जा रहे हैं अंदर। सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन और मज़ेदार खाना जो है ना यहाँ अल्लाह मालिक में मिलता है, और हर किस्म का मिलता है, चाइनीज़, पंजाबी। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, ये डबल रोड है, मैं क्रॉस करके अभी जा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं यहीं से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। दोपहर के हम लोग निकले, मैं बिरयानी खाई, फिर उसके बाद आपको पता है कराची स्टूडेंट कितनी मशहूर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। सियालकोट में भी उसकी ब्रांचें खुल चुकी हैं, तो इसलिए हमने बोला अभी हम लोग बैठ के नहीं खाते, हम घर पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे मैं घर में आधे एक घंटे बाद खा लूँगी। देखें, सिर्फ कराची रोशनियों का शहर नहीं है, आप सियालकोट भी रोशनियों का शहर है, क्योंकि 12-1 बजे तक यहाँ पर भी जो है ना रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, और हर किस्म के यहाँ पे भी खाना मिलता है, और हर किस्म के यहाँ पे मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं। दिखाने का तो बहुत दिल करता है आपको, लेकिन चलें मैं जब बार हुआ करूँगी तो मैं आपको ज़रूर सियालकोट का, मैं सोच रही हूँ थोड़ी गाड़ियाँ रुके, मैं ज़रा रोड क्रॉस, एक मैंने रोड क्रॉस कर लिया है, अभी मैं आगे जा रही हूँ। मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ तो उमर आ गए हैं फौरन, देखे ज़रा कर लिया, और उमर गुस्सा हो रहे थे कि तुम ऐसे क्यों आ रही। मैंने सोचा ज़रा करीब जाके भी मैं वीडियो बना लूँ। देखिए ज़रा कितनी खूबसूरती है, और बाहर ये चरखे बन रहे हैं, क्या बन रहा है, सज्जी है जी, सज्जी। अच्छा सज्जी, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। और जब हम लोग ईद या 14 अगस्त पे आते हैं तो यहाँ तो रश ही इतना होता है कि बैठने की जगह ही नहीं आती। फिर इन्होंने ये जो बराबर में एक और रखा हुआ है, जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो फिर इसको खोल लेते हैं, इधर जाते हैं। हम लोग जब ईद पे आए थे, ईद के 3रा दिन था हालांकि, तो हम लोग उधर बैठे थे सामने, और मुझे शौक है ऊपर जाने का, क्योंकि ऊपर इतनी ही प्यारी मतलब वीडियोस वगैरह भी बन जाती हैं वहाँ पे। तो ये देखें, मैं अल्लाह मालिक के अंदर आई हूँ थोड़ा सा, इधर जो है ना शायद ये इनका, मुझे लगता है कि किचन है इनका। और देखें ज़रा, कोई अलाउ नहीं करता अपने किचन में आना, के जो है ना किचन के अंदर जो है ना आने नहीं देते हैं। और ये देखें इतनी साफ़ सुथराई है यहाँ पे। मैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स में गई थी तो उन्होंने मुझे अपने किचन में अलाउ नहीं किया था, क्योंकि किचन के अंदर जाहिर सी बात है बहुत सी गंदगियाँ होती हैं, और यहाँ देखें ये किचन लग नहीं रहा, इतना साफ़ सुथरा इन्होंने अपना किचन भी रखा हुआ है। किचन मैं और फिर से कंफर्म कर रही थी कि किचन ही है, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना साफ सुथरा किचन है। देखिए खाली हो चुके हैं शायद अभी, दाल पाए और सब्जी हर चीज़ है यहाँ पर। आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा व्लॉग जो है ना बन गया है, क्योंकि देखें जो है ना अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट को किसको नहीं पता, अगर कोई जानता है अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट का, क्योंकि यहाँ जो कैंट साइड पर रहते हैं ज़्यादातर इसी होटल में आते हैं खाने के लिए रेस्टोरेंट में।
और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, शायद चिकन चाउमीन वो सामने बन रहा है जो मैं लेने आई हूँ। और शेफ देखें कितने इन्होंने इतने सारे रखे हैं। पीछे तक किचन है लेकिन गर्मी है फिर, और फिर रश भी बहुत है, इस वजह से मैं पीछे तक नहीं जा रही हूँ। जाहिर सी बात है फिर वो खुद भी डिस्टर्ब हो। चाउमीन लेकर आ गई हूँ मैं, और ये देखें चिकन चाउमीन अल्लाह मालिक का। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया मेरा फेवरेट है, और उमैर ने मेरे लिए डबल ले लिया था कि तुम जितना, और ये देखें इसका डब्बा भी बंद नहीं हो रहा। मैंने बोला आपने क्यों इतना डबल क्यों ले लिया चिकन, कह रहे थे तुम्हारी सेहत के मुताबिक मैंने लिया ये डबल चिकन चाउमीन ताकि तुम खाती रहो पेट भर जाए लेकिन ये ख़त्म ना हो। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े का है। मैं आपको खा के बताती हूँ। यकीन करें जो नूडल्स का शौकीन होता है ना, और इसका ऐसी चीज़ें जो ये क्या नाम है चाइनीज़ में आता है, ये स्पैगेटी मैक्रोनी, तो अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट पे ख़त्म है। मुझे इसके अलावा कहीं का चाउमीन कभी पसंद आया ही नहीं है। उसका टेस्ट ये सरसों के ऑयल में मुझे लगता है बनाते हैं। ये पूरा डब्बा मैं खा लूँगी लेकिन अभी थोड़ा सा खाऊँगी क्योंकि मैंने बिरयानी भी खा के आई हूँ। तो जिस दिन छुट्टी होती है उमैर की तो उस दिन हम सुबह दोपहर शाम बाहर से खाते हैं, वो खर्चा सारा मैं उमैर का करवाती हूँ, अपने घर के खर्चे में से नहीं करती हूँ। और राफे बैठा मुझे देख रहा है ले लो, बच्चे मुंह देख रहे हैं और मैं खाई जा रही हूँ।